बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7, होप यू ऑल आर फाइन, खैरियत से होंगे आप लोग और अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, आई होप सो। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर व्हिच वी वर डूइंग इन द लास्ट लेक्चर। हमने लास्ट टाइम जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स जो है वो स्टार्ट किया था। सेम चैप्टर हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर जो है हम उसके जो रिमेनिंग थे वो कंटिन्यू करेंगे। आपको मैंने बताया था स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं और हम स्क्वायर रूट्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम पार्ट्स इसी तरह के थे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी टू द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाय 12, 16, 20 एंड 24। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। वो क्या पूछ रहे हैं, आपको क्या बताना है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए, देन अपना आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस जो है वो देने की कोशिश कीजिए। फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपने वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो इन नंबर से डिवाइड हो सके, 12, 16, 20 और 24 से। ऐसा एक आपने परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो इन नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो सके, एक चारों नंबर्स से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मैं सबसे पहले अपना डेटा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये नंबर्स मुझे क्या गिवन है, 12, 16, 20 एंड 24। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड द एलसीएम, ठीक है जी, ऑफ दीज ऑल दीज नंबर्स। ठीक है, इन दिस वे फॉर द स्क्वायर रूट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द एलसीएम, 12, 16, 20 एंड 24। जिस तरह से आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 5 जा 20 एंड 2 12 जा 24। अगेन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 5 जा जाएगा आपके पास 2 6 जा 12। अगेन 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज एंड 2 3 जा 6। नाउ 2 1 जा 2, then we have to take the 3, 3 1 the 3 and 3 1 the 3 and then we have to take the 5 in the last. Then the prime factors are the 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and multiplied by 3. Here we are having a pair of 2, two pairs of 2, but the 3 and 5 are alone, they do not have any pair. Okay, inke paas koi pair नहीं है, बट फॉर द स्क्वायर दे शुड बी इन द पेयर। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए हमें इनका भी पेयर बनाना पड़ेगा, इनको भी पेयर में होना चाहिए, अदरवाइज हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो टू मेक इट इन अ पेयर, इसका पेयर बनाने के लिए मैं इसके साथ एक 3 और ऐड करूंगी और यहाँ पे एक 5 और ऐड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एक और मल्टीप्लाई करूंगी और 5 भी एक और मल्टीप्लाई करूंगी, बट जो काम मैं लेफ्ट हैंड साइड पे करूंगी we have to do the same thing on the right side as well. ठीक है जी, हम एक साइड पे ये काम नहीं कर सकते, हमें दोनों साइड पे बैलेंस करके बोथ द साइड ये काम करना है। अगर मैं यहाँ 3 और 5 इंक्रीज कर रही हूँ, सो आई हैव टू इंक्रीज और मल्टीप्लाई द सेम नंबर ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल। ठीक है जी, इन दोनों को पेयर्स में होना चाहिए, इट शुड बी इन पेयर, बट ये पेयर में नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, फॉर दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 3 एंड 5 ऑन बोथ द साइड सो इट कैन बिकम परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 3 भी ऐड कर दिया है एक, और यहाँ 5 भी ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया है, तो सिमिलरली मैंने 3 और 5 को राइट हैंड साइड पे भी ऐड किया है। राइट लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मेरे पास पेयरिंग आ चुकी है जो कि स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास जरूरी है। अब यहाँ पे 2 का भी पेयर है, 2 2 के पेयर है, 3 का भी पेयर आ गया आपके पास और 5 का भी पेयर आ गया। ठीक है जी, अब 240 को आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 5 3 जा 15 और 15 को जब आप 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3600। सो 3600 इज द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच कैन इजीली बी डिवाइडेड बाय द 4 नंबर्स व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है जी, ये वो नंबर है, ये वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो इन 4 नंबर से इजिली डिवाइड हो सकता है, जो इन 4 नंबर से इजीली डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली,
द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर. सम मैंने आपको क्या बताया, सम का मतलब होता है हमेशा एडिशन, और जहां प्रोडक्ट लिखा हुआ है वहां पर उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू होल नंबर इज 794. इफ वन नंबर इज 13 देन फाइंड द अदर. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, मैंने जैसा आपको कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. The sum of squares of two positive whole number, दो whole numbers हैं, let's suppose के वो whole numbers x और y हैं, according to the given condition which is given in the question, दो numbers हैं, let's suppose that is x and y that are unknown, उनका sum, उनके squares का sum क्या है आपके पास 794, let x is equals to 13, जो कि आपको एक number given है, let x is equals to 13, x की जगह पे हम 13 replace करेंगे. But y is unknown, जो हमें नहीं पता और वही हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द y, सो वी हैव टू प्लेस इट ओवर हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव टू मूव द 13 ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है जी, जब हम प्लस 13 स्क्वायर को दूसरे साइड पे लेकर जाएंगे तो वो आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में. 13 स्क्वायर मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाय 13, सो 13 इज 169. Then we have to subtract the 794 minus 169, which is equals to 625. Now, y square is equals to 625. So we have to find out the only value of y. So we have to remove that square. So for that, we have to take the square root on both the side. Abhi maine aapko bataya, balance karne ke liye hum ek hi kaam dono sides pe karte hain. Theek hai ji, maine dono side pe square root apply kar diya hai. Ab ye square root jo hai, wo square se cancel ho jayega. और ये अंडर रूट आपका 625 है. इसका आप रूट बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जिस तरह से अभी हमने किया है कि 625 का आप एलसीएम लेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ये एग्जैक्टली 5 से मल्टीप्लाई होता है. 5 वन 5, 5 टू 10, 5 फाइव 25, अगेन 5 टू 10, 5 फाइव 25, 5 फाइव 25 एंड 5 वन 5. सो द फैक्टर्स ऑफ द 625 इज द 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. टू पेयर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर. स्क्वायर रूट आपके पास है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. द रिमेनिंग नंबर इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 725. सो द सेकंड नंबर इज 25. द फर्स्ट नंबर इज 13 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था. सेकंड हमने नंबर फाइंड आउट किया है व्हिच इज 25. सो द स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर्स एंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर्स इक्वल टू 794 according to this situation. Okay students, I hope so कि आपको समझ में आ गया होगा. You have to do this in your copies and the homework assignment which is given into the in the homework. You have to do in the classwork copies and keep update your work, keep practicing. Until that, inshallah, we will meet in the next lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.